हेलो स्टूडेंट मैम, हम स्टार्ट करते हैं आज मैथ जी वर्कबुक चैप्टर नंबर 3 3 How much can you carry? Put the 4 heavier objects and close the lighter object in the given. One has been done as an example. बच्चों यहाँ पर देखो heavier मतलब के भारी चीज, lighter मतलब के हल्की, जो वजन में भारी हो और हल्का हो, ओके? इसके बारे में हमें देखना है. हैवियर एंड हैवियर मतलब कि भारी, हैवियर मतलब भारी और लाइटर मतलब कि हल्का होता है ना. पत्ती कैसी हल्की होती है? पान, ओके? तो वो पत्ती हल्की होती है और बुक्स, ओके? तो वो हैवी. देखो यहाँ पर है दो पिक्चर है, ये बुक्स है, ओके? ये न्यूज़ पेपर है. तो बुक्स है जो हैवी है, ओके? हैवियर मतलब कि यहाँ पर राइट की साइन है, और न्यूज़ पेपर है जो हल्का है उसमें लाइटर की साइन है, ओके? नाव यहाँ पर देखो एक तलवार है और एक शू है, ओके? नाव अंडरस्टैंड. देखो यहाँ पर भारी कौन है? यस, हैवियर. हैवियर मतलब कि यहाँ पर राइट और यहाँ पर रॉन्ग. नाव यहाँ पर बॉल है और मार्बल है, तो यहाँ पर बॉल है जो राइट करना है क्योंकि हैवी, और ये रॉन्ग करना है क्योंकि हल्का है. यहाँ पर दो है, ओके? बैग है एंड कंपास बॉक्स है, ओके? तो बैग है हैवी और कंपास बॉक्स है हल्का, ओके? तो राइट. चल यहाँ पर 1 and 2 है पिक्चर. देखो यहाँ पर फर्स्ट है पिक्चर में कोट है जो भारी है, हैवियर, एंड शर्ट इज अ लाइटर, ओके? फर्स्ट यहाँ पर वाटरमेलन एंड ऑरेंज, तो वाटरमेलन इज अ हैवियर एंड इज अ लाइटर, ओके? अंडरस्टैंड. नाउ यहाँ पर क्वेश्चन है और यहाँ पर मेट है, तो नाउ हैवियर एंड लाइटर, ओके? लाइटर में रॉन्ग, हैवियर में क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट है, ओके? ये टायर है, ये बटन है, हैवियर, और ये हल्का है, ओके? नाउ हैवियर एंड लाइट, हैवियर एंड लाइट, ओके? अंडरस्टैंड? हैवियर लाइट, ओके? नाउ नेक्स्ट, put the heaviest object and cross the lighter object in the given. One has been done. यहाँ पर तीनों में से देखो heavier, सबसे ज़्यादा heaviest object के लिए right and lightest drop, okay? So now सबसे हैवीएस्ट कौन है तीनों में से? यस, ओके. लाइटेस्ट कौन है? ये, ओके. इसमें रॉन्ग. चलो हैवीएस्ट कौन है? ओके, हैवीएस्ट के लॉग हमेशा हैवीएस्ट होते हैं. नाउ लाइटेस्ट यहाँ पर, ओके, ग्रीन. चलो नाउ ये गुलदस्ता है, ये पत्थर है, ओके, और ये लकड़ी माचिस की तीली, ओके, मैच स्टिक, और ये तीनों में से हैवियर कौन है? ओके, हैवीएस्ट, ओके, ये स्टोन हैवीएस्ट है, ओके, माचिस स्टिक, मैचस्टिक इज अ लाइटर. नाउ जग, वाटर बैग एंड ग्लास, तो हैवीएस्ट इज द
वेस्ट इज अ नाउ जग एंड लाइटर इज अ लाइट इज द ग्लास. ओके यहाँ पर क्रॉस करना है, यहाँ पर राइट करना है. अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? नाउ प्लेस द ऑब्जेक्ट एज पर द पोजिशन ऑफ द बैलेंस स्केल. अब ये बैलेंस स्केल है. ओके तो यहाँ पर जो भारी चीज़ हो वो नीचे जाती है. ओके जो हल्की है वो ऊपर आती है. ओके बच्चों भारी चीज़ आप देखो, आप सब्जी मार्केट जाते हो कि तो बैलेंस होता है उनके पास में, सब्जी को तोड़ने के लिए बैलेंस होता है. ओके तराजू होता है ना, तो तराजू में हम जो चीज़ें तोलते हैं तो जो हैवी होता है वो नीचे की ओर जाता है ना बैलेंस में. ओके इसी तरह यहाँ पर देखो, ये है वाटरमेलन, हैवी है ऑरेंज से, तो ये नीचे की ओर आएगा. ओके और ये ऊपर की ओर. ओके नाउ यहाँ पर कोट है. ओके तो कोट नीचे की ओर, क्योंकि ये दोनों में हैवी कौन है? ओके ये हैवी है, तो हैवी कोट यहाँ पर आएगा. ओके अंडरस्टैंड, मतलब कि यहाँ पर कोट और ये यहाँ पर, हल्की चीज़ ऊपर की ओर और भारी चीज़ नीचे की ओर. ओके फिर दो बॉल है, वॉलीबॉल एंड टेनिस बॉल. तो नाउ वॉलीबॉल इज़ अ हैवीस्ट एंड टेनिस बॉल इज अ लाइट. ओके नाउ यहाँ पर चलो, यहाँ पर कुकर है. ओके तो कुकर इज अ हैवीस्ट, मतलब कि नीचे की ओर जाएगा और ये लाइटर. ओके फिर यहाँ पर शूज पैर है, पैर ऑफ शूज, और यहाँ पर पॉम. नाउ ये हैवी होगा ना, तो ये नीचे की ओर. ओके ये ऊपर की ओर. अंडरस्टैंड ही. चलो नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर भी ऐसे ही करना है. प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एज पर पोजिशन बैलेंस स्केल. ओके बैलेंस स्केल करना है, ये बैलेंस है. ओके तराजू जिस बैलेंस के चीज़ों के. चलो यहाँ पर वन है जग, इज अ हैवी, हैवी है इसीलिए नीचे की ओर, और ये लाइट है कि ऊपर की ओर. चलिए यहाँ पर बकेट है, टू टम्बलर. तो नाउ बकेट इज अ हैवी और नाउ ओके ये लाइट और ये हैवी. ओके ये दो ब्रिक्स. नाउ दिस इज अ हैवी एंड लाइट. ओके नाउ वन और ये थ्री है, तो दिस इज अ हैवी. तो नाउ नीचे की ओर और ये यहाँ. ओके टू वीट है यहाँ पर और ये हैवी है इसलिए यहाँ पर. ओके दिखाई दे रहा है बच्चों? ओके नाउ नेक्स्ट, समझ में आ रहा है? ओके चलो अभी आपको देखो, यहाँ पर एनिमल है, मैन भी है. ओके पैरट है. तो ये लोग कितना वेट कैरी कर सकते हैं? ओके ले सकते हैं अपने आप. अगर आप अपनी मम्मी के साथ सब्जी मार्केट जाते हो, ओके जाते हो कभी कभी जाते हो ना, तो आपको छोटी सी थैली देती है ना, कभी देती है मम्मी को, मम्मी बोलती है कि लो ये पकड़ो, और मम्मी बड़ी वाली थैली पकड़ती है. ओके और पापा जब कभी आप मार्केट जाते हो, ओके शॉपिंग करने जाते हो, ओके तो जो हैवी चीज़ होती है वो पापा कैरी करते हैं ना, और हल्की चीज़ होती है वो मम्मा कैरी करती है. ओके आप छोटे हो तो आपको छोटी बैग देते हैं ना कैरी करने के लिए, बट मम्मा आपसे बड़ी है. ओके तो आप वो ज़्यादा पकड़ती है सामान और आपको कम वाला देती है ना, आप जो जीत करते हो तो देती है ना. तो इसी तरह यहाँ पर देखो बर्ड्स हैं, एनिमल हैं, तो कौन किसके वजन के हिसाब से कैरी कर पाता है तो उस पर टिक करना है. ओके यहाँ पर स्पैरो है, स्पैरो लीफ को हिट कर सकती है ना. फिर चलो यहाँ पर डोंकी है, तो डोंकी सीमेंट की बोरी कैरी कर सकता है. ओके नाउ सीमेंट बैग. ओके नाउ एलिफेंट, एलिफेंट इज ए लॉग है ना, आप जंगल में देखते हो लकड़ी को यहाँ वहाँ ले जाने के लिए एलिफेंट का यूज़ करते हैं. ओके हैवी होते हैं ना एलिफेंट, ये लॉग भी कैसे होते हैं, हैवी होता है. ओके नाउ नेक्स्ट डॉग है, डॉग क्या करता है, कौन सा लेगा? यहाँ पर शुगर है, चीटी शुगर लेगी. ओके
चलो मैन है, मैन क्या लेगा, ओके पैरोट है जो चीनी लेगा, ओके फिर है क्या बच गया, मैन अभी ये थैली, ओके और अंडरस्टैंड बैग ले सकते हैं ना मैन, ओके चलो नाउ देखो यहाँ पर एक फैमिली है जो शॉपिंग करने जाती है, इसे मम्मी है, सन है, भाई ब्रदर, फिर अंकल है, ओके ये हस्बैंड वाइफ है और इनकी बेटी बेटा है, ओके नाउ ये फैमिली जब शॉपिंग करने जाती है तो सबसे ज़्यादा चीज़ें कौन लेते हैं, पापा, आपके पापा भी लेते हैं ना ये, ओके अंकल लेते हैं, फिर ये उनसे थोड़ा कम सामान आंटी लेती हैं और ये भाई एंड बहन है, ओके ब्रदर एंड सिस्टर। तो देखो यहाँ पर सबसे ये 2 kg है, ये 5 kg राइस है, 1 kg घी है और 10 kg वीट है, ओके तो जो सबसे हैवी कौन है, 10 kg वीट, तो कौन बैठ करेगा, ओके ऑफकोर्स अंकल को ही देंगे हम, फिर है मम्मा क्या पकड़ेगी, 1.5 kg राइस, ओके फिर ब्रदर क्या पकड़ेगा, 2 kg शुगर एंड 1 kg घी, अंडरस्टैंडिंग। चलो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, ओके एक्टिविटीज़ आपको करना है। देखो ये सारे बच्चों बैलेंस हैं, बैलेंस मतलब कि चीज़ों को नापने के लिए, तोलने के लिए ये सारी यूज़ की जाती है, ओके तो आप इस तरह से देखते हो ना बैलेंस, ओके ये बैलेंस है, ये सारे बैलेंस ही है, ओके बच्चों, ओके नाउ नाउ लेट्स डू होमवर्क, ये आपको करना था बट मैं करवा रही हूँ, ओके चलो यहाँ पर एक ही पेज है तो कंप्लीट कर दे, ओके गिव द सीरियल नंबर्स 1 to 5 फ्रॉम द लाइटेस्ट एंड टू द हैवीएस्ट 4 द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो, यहाँ पर है 1 to 5 नंबर देना है, सबसे लाइटेस्ट फ्रॉम द लाइटेस्ट टू हैवीएस्ट, लाइट से बड़े बड़े पे जाना है, ओके चलो यहाँ पर फर्स्ट है डॉग है, एलिफेंट, हॉर्स, रैट एंड कैट, तो सबसे हैवी कौन है यहाँ पर, एलिफेंट, तो इसको हम 5 नंबर देंगे, ओके समझ में आया, बट सबसे लाइटेस्ट कौन है, लाइटेस्ट से स्टार्ट करना है तो ये, ओके 1, फिर सेकंड किसे देंगे, ओके कैट या, ओके मैं इसे कैट को देंगी, ओके फिर ये 3 एंड 4 एंड 5, ओके 1 लाइटेस्ट है सबसे कम, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ओके चलो यहाँ पर देखते हैं, ओके फर्स्ट ये फर्स्ट लाइटेस्ट है, ओके फिर सेकेंड छोटा है स्पैरो, ओके थर्ड एंड 4 क्रो एंड 5, ओके इस तरह से नंबर देंगे, ओके फर्स्ट यहाँ पर पत्ती 1 लाइटेस्ट है, सेकेंड ओके फूल, फिर फ्रूट, ओके फिर ये ब्रांच एंड ट्री, ओके नाउ नेक्स्ट सबसे लाइटेस्ट कौन है, 1 2 3 4 एंड 5, ओके ये क्या चीज़ें दिखाई नहीं दे रही बच्चों, बट ये 1 होगा और यहाँ पर 2 होगा, ओके ये 3 और ये 4, अंडरस्टैंड क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रहा, कॉटन हो तो ये हल्का होता है, ओके बट ये कॉटन है या स्टोन है, ओके चलो नाउ यहाँ पर देखो बच्चों ये सबसे ये ब्लूटूथ है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, अंडरस्टैंड चलो नाम, ये तो चैप्टर नंबर 4 है,
कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर 3. ओके, अंडरस्टैंड इट नाउ. टेक केयर. बाय बाय. सी यू अगेन.